देखिए कौन कौन गायब है क्लास से जरा उनको बुलाएं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है ना आजकल सर टाइम गलत है सर क्या टाइम किस टाइम पे हो रही है एक के लगभग किस समय करवानी है सर इंग्लिश क्लास के बाद करवा दो सर अच्छा वो mm -hmm. सर कह रहे थे सर कि तब कुंड वालों की होती है क्लास उस टाइम तो साथ में नहीं ले रहे सर क्लास अलग अलग ले रहे हैं साथ में ले ले सही रहेगा सर सर अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं अच्छा नहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम से सिमिलर टॉपिक के साथ करवा दें स्टार्ट ठीक है मिक्स करवा दो सर हाँ, चलो बात करेंगे सर से क्या कहते हैं सर है ना नथिंग टू वरी अबाउट इट देख लेंगे उसको तो एक बार हो जाएगा रिजोल्व वो मैटर बात करेंगे सर से ठीक है चलिए अभी आ जाइए हमारे टॉपिक पर जो आज हम आपके साथ टॉपिक कवरअप कर रहे हैं जो स्टार्ट करेंगे ठीक है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में जब बात करेंगे तो पहले तो समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड देन विल गो टू इट्स क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की बात करें हैं ना यानी आप, आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं ठीक है थीके? आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक्टिविटीज का कि आपने ये काम कर ये काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में है फिर उनको ग्रुप करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में ठीक है जॉब पोजिशन असाइन होती है ठीक है डिफरेंट जॉब पोजिशन बनाई जाती है लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है अपॉइंट किया जाता है ठीक है तो जो स्ट्रक्चर बनता है ठीक है उसी स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर तैयार होकर निकलता है जो डेवलप होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग उसे हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है चलिए ये इन्होंने मीनिंग दिया है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का ठीक है या आप इसे ऐसा कह सकते हैं एक और तरीके से कि दिस कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है विदिन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशन टास्क आर परफॉर्म्ड यानी जो बिजनेस ऑपरेट करता है जिस स्ट्रक्चर में उसे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा है और बिजनेस ऑपरेट करता है दोनों चीजों से मैनेजेरियल एक्टिविटीज भी होती है और ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी होती है ठीक है जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप माइक ऑन करके कौन बात करता है हाँ वापस आइए देखिए कहता है सोनाली ओपन ट्रेवल एजेंसी उसने एक ट्रेवल एजेंसी ओपन की है ठीक है ट्रेवल एजेंसी उनके बीच में अच्छा रिलेशन हो तभी ट्रेवल एजेंसी चलेगी इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अब कहता है उसने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या किया देव डिवाइडेड एजेंसी इंटू थ्री हेड्स तीन कैटेगरीज में बांट दिया उन्होंने उस वक्त को जिनका नाम रहा ऑपरेशन सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन यानी जो बिजनेस की एक्टिविटीज चलेंगी वो सेल्स कर बात करेंगे कैसे नए नए कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करें और दूसरा इस कैसे हो ठीक है ऑपरेशंस में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया टिकटिंग एंड कस्टमर केयर होगा ठीक है फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया इन्होंने कहा नहीं बस तीन हेड बना दिए इतने से काम नहीं चलेगा उन तीन हेड में क्या क्या चीजें होंगी ये भी तो देखना पड़ेगा तो उन्होंने कहा इन तीनों में ये होगा अच्छा सेल्स में क्या होगा सेल्स अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होगा वहां अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होगा और सेल्स पर काम करेगा ठीक है एंट्री वगैरह करना सारी चीजें ठीक है ना एक एग्जीक्यूटिव होगा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा बुक कीपर होगा हिसाब किताब रखेगा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है ना उसने इसने तो एंट्री कर दी हाँ ये सेल हो गई बस कैशियर होगा पेमेंट वगैरह लेने के लिए यूटिलिटी यूटिलिटी पर्सनल, पर्सनल और भी कोई वगैरह जो आते हैं, ये सब इनको कौन मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना दिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बातें हम पहले कर चुके हैं आपके साथ कहता है जब आप डिविजन करते हैं बेसिस फंक्शन पर तो आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन क्रिएट हो जाता है यानी कौन किस को रिपोर्ट करेगा किसकी क्या जिम्मेदारी है ठीक है किसकी क्या पावर है क्या अथॉरिटी है ये सब पता लग जाता है नाउ अब बात आती है जरूरत क्या है व्हाई वी नीड एन एडुकेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरूरत क्या है क्यों चाहिए हमें एक एडुकेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो आइए जी कहता है द नीड फॉर एन एडुकेट एड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ड बाय एन एंटरप्राइज व्हेन इट ग्रोज इन साइज छोटी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत नहीं आता जब उसका साइज बढ़ता है जब कॉम्प्लेक्सिटीज कॉम्प्लीकेशन बढ़ जाती है जब चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है उस समय लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है ठीक है बिकॉज देयर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट वहां पर कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है ठीक है ड्यू टू एमरजेंस ऑफ न्यू फंक्शन नए नए काम आ रहे हैं ठीक है स्ट्रक्चरल जो hierarchies है वो भी बढ़ रही है लोग ज्यादा आ रहे हैं ना तो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा किसकी क्या पावर है यानी क्या अथॉरिटी है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब तय नहीं होता तो जब ऑर्गेनाइजेशन का जब साइज बढ़ता है तो या फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं तो उस समय आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो तो ध्यान रहेगा कब जरूरत पड़ेगी आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वेन यू आर इंक्रीजिंग इन साइज ठीक है वी आर ग्रोइंग और आपके पास कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है ठीक है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते जा रहा है तब आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है यू नीड टू डिफाइन वन आपको क्रिएट करना होगा मींस आपको ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अप्लाई करना होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इट इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है उसका एंड रिजल्ट ही तो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ठीक है चलिए यहां तक डाउट बताइए जी आपको किसी को कोई डाउट हो यहां तक तो पूछिए मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट्स का हाँ जी मोहित बताओ बेटा यहां तक कोई डाउट है क्या क्या समझ में आया आपको यहाँ तक हमने नई बात क्या की इस जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो नई बातें हमने क्या की है ये बताइए पिछले से आगे अब आइए ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम जो कर रहे हैं अभी उसमें नया क्या है जो हमने पहले नहीं पढ़ा बताइए मोहित सर हम तो आते हैं और आकर चले जाते हैं आजाद कोई जवाब नहीं सक्षम हमने नया क्या पढ़ा है यहां पर इस टॉपिक में जो हमने पहले नहीं पढ़ा था पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ था वो बताइए एक बार मैं वेट कर रहा हूं सक्षम आपके जवाब का पर आपका जवाब आ ही नहीं रहा है हाँ जी कोई बता रहा है मुझे आप लोगों में से कि यहां पर हमने कुछ नया पढ़ा है क्या जो हमने पीछे नहीं पढ़ा था आप याद रखते हैं नहीं ध्यान रखते हैं कि ये चीज हमने नई पढ़ी नई मतलब कुछ न्यू आपने पढ़ा तो नया क्या है यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखें तो अगर आप बातें करें मैं आपको बताता हूं सुनिए मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं और दोबारा वो लेकर चलो देखो आपने एक तो ये पॉइंट नया पढ़ा है ये जो पॉइंट है ये नया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आउटकम है किसका ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का ठीक है दो इतना नया नहीं है थोड़ा बहुत तो रिलेटेड पहले से निकल कर आ रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं ठीक है उसके बाद ये भी आपको पता है ये वाली बात भी कि आप फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ठीक है ये वाली चीज बिल्कुल नई है ये वाला पॉइंट बिल्कुल नया है कि कब जरूरत पड़ती है व्हाई वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हाई वी अप्लाई द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये वाला पॉइंट बिल्कुल लेटेस्ट है यह आपने पहले नहीं पढ़ा था इस बारे में हमने बात ही नहीं की थी कभी तो जो कॉन्सेप्ट वाली बात है ना वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बस उसे एक नए तरीके से देखा आज ठीक है नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग दैट हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म शोन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शो कैसे किया जाता है किस तरह दिखाया जाता है ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज शोन इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चार्ट बनाकर जैसे आप बनाते हैं ना चार्ट बनाते हैं वगैरह बना देते हैं आप लोग इस तरीके से ठीक है मतलब क्या होता है बेटा स्पैन ऑफ बताइए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर एंप्लॉज इफेक्टिवली मैनेज बाय अ मैनेजर यानी एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है उनसे काम करवा सकता है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है ठीक है तो कहता है द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट शेप देता है किसको शेप देता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देता है आप ज्यादा लोगों को संभाल सकते हैं तो अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा आप कहते हैं, नहीं हम कम लोगों को संभाल सकते हैं मैनेजर कहता है नहीं ज्यादा लोगों को नहीं फ्यू नंबर ऑफ पीपल टू बी मैनेज तो ऑर्गेनाइज्रक्चर अलग टाइप से बनेगा ठीक है सुनिए अब अच्छा इन्होंने ये बता भी रखा है सॉरी मैं आपसे पूछ रहा था और नीचे लिखा भी है और आप बता भी नहीं रहे कोई स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबोर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर और मैनेजर भाई आपके ऊपर जो भी आपका सुपीरियर है आपके लिए वो मैनेजर है ठीक है तो कितने लोगों को नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट यानी कितने इंप्लॉइज को सबोर्डिनेट यहां पर क्या है इंप्लॉईज ठीक है ना कितने स्टाफ को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा और हमने क्या कहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो शेप देता है किसको शेप देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक है नाउ दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर और यही बताएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आगे आइए अगर आप बात करें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर और थोड़ा डिटेल में तो देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मैंने कहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है ज्यादा या कम ज्यादा यानी यू कैन मैनेज लेस नंबर ऑफ पीपल तो लेस नंबर नंबर ऑफ पीपल में आप क्या कर देते हैं इसको नैरो कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो में यानी आपके अंडर कम काम करते हैं लेट्स सपोज आपके यहां सो लोग हैं सो एम्प्लॉई है अगर नैरो हैं तो मानो आपने कहा मेरे अंदर तो तीन लोग आ सकते हैं मैंने कहा ठीक है तो आपके अंदर तीन लोग आ गए फिर दूसरे के अंदर भी तीन ही लोग आए नैरो रख रहे हैं आप स्ट्रक्चर को ठीक है एंड सेम ऑन तो ये स्ट्रक्चर क्या है लंबा बढ़ता चला जाएगा ये स्ट्रक्चर क्या है लंबा होगा यानी और अगर ब्रॉड है आप कहते हैं नहीं मैं मैनेजर हूं मेरे अंडर तो बीस लोग काम कर सकते मैंने का, है। बीस लोग इस तरीके से। फिर दूसरे ने कहा लोग खत्म हो जाएंगे।, लोग आपके अंडर कवरेज में आ जाएंगे तो आपका नैरो होगा या ब्रॉड होगा इस पर डिपेंड करेगा कि आपका लेवल किस तरीके से है स्ट्रक्चर कैसा बनेगा तो यही देखिए ये इन्होंने लिखा भी है इन्होंने कहा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल होता है वाइड जो है, वाइड जो जो मैंने बोल दिया था, ठीक है वहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है शॉर्ट होता है बताइए क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को बोलिए जी बताइए ठीक yes, है जी आगे चले यहां से हम लोग अब इसी स्ट्रक्चरिंग पर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ये तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है अब स्ट्रक्चर टॉल होगा या शॉर्ट होगा ये डिपेंड करेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहा कि कितने लोग आपके अंडर काम कर सकते हैं इफेक्टिवली करने को तो हजार कर सकते हैं पर काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा इफेक्टिवली सही तरीके से काम कर पाए अच्छे से काम कर पाए तो बात बनती है अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप फ़ंक्शंस के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं जैसे इन्होंने बनाया इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने कहा ये तो हेड है इसके अंडर में फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है मार्केटिंग है फाइनेंस है प्रोडक्शन है ठीक है इस तरीके से समझ रहे हैं एक परचेज डिपार्टमेंट बना सकते हैं आप मतलब जो जो फंक्शन आपके यहां होते हैं आप कहते हैं नहीं हम परचेज करते ही नहीं कुछ भी हम तो खुद प्रोड्यूस करते हैं सब कुछ रॉ मटेरियल भार से लेते ही नहीं है तो फिर आप परचेज डिपार्टमेंट शायद ना रखें तो डिपेंड करेगा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड किस पर करेगा आपके यहाँ वो फंक्शन है एग्जिस्टेंस में या नहीं वो काम होता है या नहीं होता तो जब फंक्शन के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं एक्टिविटीज का तो कैसा स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है ठीक है तो एग्जाम पहले पढ़ लें इसको एक बार एग्जाम्पल पर बार बाद में आएंगे कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुपिंग होती है या ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन सेपरेट डिपार्टमेंट कहता है आप जो मेजर फंक्शन है उनको कलेक्ट करके आप सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके पास एक सिंगल यूनिट आ जाएगा जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यहां से कोऑर्डिनेट करेगा तो या तो मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू कर सकता है या इनके हेड आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जनरली ऐसे होता है कि इसके थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं सभी जैसे इन्होंने चेन बना रखी है इसी के थ्रू सब एक दूसरे से बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कोई समस्या है मार्केटिंग की कोई समस्या है तो मार्केटिंग जाएगा इस समस्या को लेकर किसके पास मैनेजिंग डायरेक्टर के पास और मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात को किसको बताएगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बताएगा यानी कोऑर्डिनेशन इसका काम कितना सा है केवल कोऑर्डिनेट करना ठीक है तो सुनिए जी कहता है, concern, है, है? Finance, कहता है इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो प्रोडक्शन करते हैं ठीक है डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शन विल इंक्लूड प्रोडक्शन फाइनेंस मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स दिस डिपार्टमेंट वे हैव फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सेक्शंस कहता है इनमें फर्दर सेक्शंस बन सकते हैं मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में मानो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट के अंदर अलग सब डिविजन हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे इन्होंने मार्केटिंग में कहा जैसे मार्केटिंग में इन्होंने कहा लाइक ला, ला, मार्केटिंग दे लाइक पैकेजिंग एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सेट्रा वो सब इन्होंने इसके अंदर रख लिया ठीक है तो समझ में आया फंक्शंस के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन किया आपकी एक्टिविटीज का तो जो स्ट्रक्चर बनकर निकल कर आता है उसे कैसा स्ट्रक्चर कहते हैं जी फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं ठीक है एक स्ट्रक्चर और भी है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर पहले चलो सुटेबिलिटी पढ़ लेते हैं जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी सुटेबिलिटी यानी किस तरह के एनवायरमेंट में यानी कब कब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सुटेबल होता है ठीक है चलिए पहले आप पढ़िए और फिर मैं आपको समझाता हूँ एक बार रीड कीजिए सारे बच्चे इसको पढ़ रहे हैं ना सारे बच्चे सुटेबिलिटी कहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो आपका है इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस विच हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट कोई एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है यानी ज्यादा कैटेगरीज़ नहीं है ये वन प्रोडक्ट नहीं बोल रहा वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है जैसे आप चिप्स बनाते हैं ठीक है ठीक है आप चिप्स बनाते हैं तो चिप्स बना रहे हैं चिप, चिप्स में काफी वैरायटीज हो सकती है बट कैटेगरी तो एक ही है ठीक है नाउ हाउ एवर कुछ और भी समझिए यहां पर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लार्ज आपको पता है कब आप अप्लाई करते हैं अगर लार्ज हो भाई आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना ही कब पड़ता है जब कॉम्प्लेक्सिटी होती है जब बिजनेस ग्रो कर रहा हो ठीक है एक्सपेंड कर रहा हो उस समय दिक्कत आती है उस समय स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है दूसरा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो यानी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एक जैसी एक्टिविटी नहीं है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हैं हर बंदे को अलग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए तब काम हो पाएगा ऑपरेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑब्वियस है जब डाइवर्सिफाइड चीजें हैं ठीक है तो अलग अलग टाइप की चीजें हो रही हैं अलग अलग टाइप की चीजें हो रही हैं तो एक व्यक्ति जरूरी तो नहीं एक ही व्यक्ति सारी चीजों को हैंडल कर पाएगा अलग अलग टाइप की चीजें हैं आपको अलग अलग चीजों के लिए उनके स्पेशलिस्ट चाहिए तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है ठीक है ना तो आपने यहां देखना है चलिए नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें मिनट ये पॉइंट जिन्होंने क्या लिखा है ठीक है आइए आप डिविजनल स्ट्रक्चर पर काम करते हैं डिविजनल प्रोडक्ट नहीं होता ठीक है लेट्स सपोज कंपनी रिलायंस की बात करें रिलायंस डिविजनल स्ट्रक्चर पर काम करता है रिलायंस के पास पेट्रोकेमिकल्स में इन्वॉल्व है अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस पता है कैसे करता है रिलायंस लिमिटेड जो है उसने क्या किया हुआ उसने अपने काम को प्रोडक्ट वाइज बांटा हुआ है पेट्रोकेमिकल्स अलग जगह है टेक्सटाइल कोई और देख रहा है यानी टेक्सटाइल के पास अपना इंडिपेंडेंट होगा पेट्रोकेमिकल के पास अपना इंडिपेंडेंट सारी चीजें होंगी इनके पास खुद का फाइनेंस होगा खुद की अकाउंटिंग होगी खुद का प्रोडक्शन होगा खुद का सेल्स डिपार्टमेंट होगा ठीक है खुद का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा इस तरीके से, सेम गोस फॉर दिस ठीक है टेक्सटाइल हो गया टेलीकम्युनिकेशन हो गया और बताओ रिलायंस किस किस चीज में इन्वॉल्व है पेट्रोकेमिकल्स टेक्सटाइल टेलीकॉम और बताइए वेट कर रहा हूं आप लोगों का इतना तो बता सकते हैं भाई इतना तो सोच सकते हो ध्यान करो इसके अलावा रिलायंस रिटेल में भी है रिलायंस डिजिटल में भी है ठीक है रिलायंस फ्रेश आता है तो एफएमसीजी में भी हो गया ठीक है, रिलायंस फ्रेश के चेन स्टोर चलते हैं ना समझ रहे हैं इस तरीके से अलग अलग हो गया तो इनका सबके अपने पास अलग अलग होंगे तो ये क्या हुआ? क्या? कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या सर ट्रेड सर्विस ट्रेड सर्विसेज कैसे जैसे ग्जाम्पल? सर स्पाइसेस स्पाइसे हाँ 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 ठीक हा। है तो जैसे आप अगर यहां देखें ना तो रिलायंस का आउटलेट्स है जैसे रिलायंस डिजिटल क्यों मैंने बताया रिलायंस के अपने स्टोर्स हैं जहां पे आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जैसे मैं बताऊं टाटा का भी है टाटा का भी एक ऐसा स्टोर है टाटा का आई बिलीव क्रोमा है किसी को पता हो टाटा क्रोमा के नाम से काम करता है वहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहां पे आपको इनकी शोरूम्स होते हैं जहां पे आप किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट ले सकते हैं इनके थ्रू ठीक है चलिए रिलायंस फ्रेश आ गया ठीक है रिलायंस फ्रेश एफएमसीजी में यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो ग्रोसरीज वगैरह में सप्लाई में भी इन्वॉल्व है यहाँ पे आप इसको ग्रोसरीज हो गई आपकी वेजिटेबल्स हो गए ये रिलायंस फ्रेश के नाम से चलता है ना रिलायंस फ्रेश के नाम से चला रहे हैं जिसको ये ठीक है ना इस तरीके से है इसके अलावा भी बहुत कुछ है आप देखेंगे रिलायंस को आप जाना मैं बताता हूं कहां पर जो जियो का ऐप है ना वहां जाओ वहां पर बहुत कुछ है इन्होंने अपना जैसे क्लोथिंग वगैरह के लिए भी इनका खुद हाँ रिलायंस स्मार्ट, हा, स्मार्ट वगैरह मिलेंगे आपको बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है इनके पास ठीक है अलग 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 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बना रखे हैं ए जियो है पता नहीं क्या क्या है क्लाउड सर्विसेज तक देते हैं ये क्लाउड सर्विसेज है इनके पास मैंने देखा था वहां पे फिर आप ये सॉन्ग्स वगैरह के लिए देखते हैं ना आजकल इनका फिर आजकल एक ये जैसे मैक्स प्लेयर वगैरह आता है डिजिटल जो आपके मूवीज के लिए इनके लिए ये सब इसकी कैटेगरी के अंदर आ रखे हैं वो तो हर फील्ड में आज के समय रिलायंस जा रहा है ठीक है अब रिलायंस को कैसा स्ट्रक्चर चाहिए रिलायंस ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चला सकता कि एक सेल्स डिपार्टमेंट रख लिया अब सेल्स डिपार्टमेंट एक है प्रोडक्ट हो गए अनगिनत कैसे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो उन्होंने क्या कहा हम प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज काम करना शुरू करेंगे जो पेट्रोकेमिकल है उसका अपना खुद का अब सारा सिस्टम होगा टेक्सटाइल जो है उसका खुद का सारा सिस्टम होगा टेलीकॉम वालों के पास खुद का सारा सेटअप होगा ठीक है तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिविजनल क्लासिफिकेशन कहलाता है डिविजनल स्ट्रक्चर कह लो ठीक है देखिए कहता है मेनी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैव रीऑर्गेनाइज अवे फ्रॉम द सिंपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज दिवीजनल ठीक है टू वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा था दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपका था ना ये वाला ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शन के बेसिस पे जो आपने बांटा हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर है सब बांटते हैं ऐसे तो पर कहता है अगर आपका साइज बढ़ गया है तो आप उस बेसिक स्ट्रक्चर से हटकर आप कहा आ जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में आते हैं ठीक है जो कि उनकी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा सुटेबल होता है पर्टिकुलरली दिस इज ट्रू फॉर दो एंटरप्राइजेस विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर अब इनके पास मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है ऑफर करने के लिए ठीक है आइए यहां पर जैसे इन्होंने किसी का एग्जाम्पल दिया है कि कोई कंपनी है उनके पास डिविजन है फुटवेयर अलग गारमेंट्स अलग कर लिया इस तरीके से डिविजनल क्लासिफिकेशन हो गया ठीक है आइए ईच यूनिट और डिविजन हैज डिविजनल मैनेजर उनका खुद का डिविजनल मैनेजर होता है जो कि उस पूरे डिविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है ईच डिविजन हैज मल्टी फंक्शनल मल्टी फंक्शनल है मल्टी फंक्शनल कैसे है उनका खुद का प्रोडक्शन है खुद का मार्केटिंग है फाइनेंस है परचेज है ठीक है दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है वो ठीक है हर डिवीजन का अपना खुद का प्रॉफिट सेंटर है वो खुद का प्रॉफिट बताते हैं कि हमारे डिवीजन से कितना प्रॉफिट हुआ है है ठीक तो खुद के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनका जो डिवीजन है सेल्फ कंटेंड है उन्हें बाहर से कुछ और जरूरत नहीं चाहिए सेल्फ कंटेंड है ठीक है वो अपने सारे फंक्शंस में एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए ठीक है जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया इन्होंने वो छोटा छोटा इनका है बट कोई दिक्कत नहीं इन्होंने कहा हमारे दो डिवीजन है एक फुटवेयर लाइन में हम डील करते हैं शूज वगैरह में गारमेंट्स कपड़ों में रेडीमेड गारमेंट्स कह सकते हैं तो कहता है जो हमारा है ना उसका खुद का एचआर डिपार्टमेंट है मार्केटिंग है फाइनेंस है और प्रोडक्शन है हमारा जो गारमेंट डिविजन है उसका खुद का ह्यूमन रिसोर्स है मार्केटिंग है फाइनेंस है और प्रोडक्शन है समझ रहे हैं बात को तो इनके पास खुद का अपना स्ट्रक्चर है आइए अब बात करते हैं सुटेबिलिटी अगेन यानी जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कहां पर सुटेबल है कहां पर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए तो पहली बात तो सीधी सी जहां पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं लार्ज कैटेगरीज है पहली बात ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड टू डिविजनल स्ट्रक्चर। कब वो अडोप्ट करने का तय करते हैं पहला ठीक है क्लासिफिकेशन कर, तो कर लिया अब फंक्शन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं दिक्कत आ रही है ठीक है जहां पे आपको और डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं ठीक है नया लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेकर आ रहे हैं तो आपको लग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा अब ये इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं ठीक है फंक्शनल स्ट्रक्चर पर आप इन्हें रीड करेंगे सेल्फ रीडिंग के लिए ले लीजिए इनको आपका होमवर्क है ये बुक नहीं हो तो बता देना मैं पेजेस भेज दूंगा जैसे अंशेल वगैरह इनके पास नहीं थी बुक अंशल बुक है क्या इसकी बेटा ही नहीं है बुक कहां से होगी अंशल गायब है आयुष भी नहीं है और कल आप लोगों को पता है 12th का फाइनलाइज हो गया कि उनके भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं इस बार पता है नहीं पता पता है सर है ना वो बच्चे बड़े परेशान थे वो टेंथ वालों को देख देख के दुखी थे कि टेंथ वाले सीधे प्रमोट होगा इलेवेंथ में उनका क्या होगा तो बड़े उदास थे सर हमारा तो तुम भी तो सीधे प्रमोट हो गए ना ट्वेल्थ में टेंथ में सर एक साल और था <laughs> ट्वेल्थ में तुम बीच में अटक गए ठीक है ना मतलब आपको बेनिफिट इतने नहीं मिल पाए जितने जो बच्चे मतलब आपसे एक साल आगे या पीछे थे उनको ज्यादा बेनिफिट मिल गया है ना बट कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसका फायदा भी है नुकसान भी है एक तो देखो उन उनके साथ हमेशा ये रहेगा उनको जो भी बोलेगा तो क्या बोलेगा कि भाई तुम तो कोरोना में पास हुए हो हु। चाहे बच्चा मेहनती हो या नहीं हो ठीक है ना मतलब ये नहीं सोचेंगे लोग कि बच्चे ने मेहनत की या नहीं की ठीक है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो मैंने कहा फायदा भी है नुकसान भी है चलिए तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे आप लोग फिर भी आप लोग एक काम करो दो मिनट यहीं देख लो चाहे मुझे लगता नहीं है आप घर पे कितना अच्छे से पढ़ोगे यहाँ एक बार पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा एक्सप्लेन करना है मुझे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज दिए हैं बताइए पढ़कर बताइए और पूछिए जो समझ नहीं आ रहा है हाँ जी बताइए बेटा मोहित पढ़ लिए सारे पॉइंट मोहित बेटा सारे पॉइंट पढ़ लिए क्या अच्छा ठीक है पढ़ो और मुझे बताओ मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आजाद भी पढ़ रहे है और मैंने बताया जिनके जिन yes, पास जिनके पास बुक नहीं है और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मुझे बता देना मैं पीडीएफ फाइल्स भेज दूंगा ठीक है बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग फिफ्थ बता दो सर कौन सा फिफ्थ फिफ्थ वाला क्या नाम है अच्छा इज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉज कहता है फंक्शनल का एडवांटेज क्या है फंक्शन में ट्रेनिंग देना और उनको और कोई स्किल्स वगैरह में इंप्रूव करना बड़ा आसान होता है क्यों स्पेशल फंक्शन के बेसिस पर है आप इस फंक्शन में काम कर रहे हैं आपको इसी के रिलेशन में नॉलेज देनी है तो ट्रेनिंग देना बड़ा आसान हो जाता है दिक्कत नहीं आती आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको अकाउंटिंग के रिलेशन में नॉलेज देनी है तो आसान है ठीक है ना क्यों क्योंकि आपको जो एरिया ऑफ कवरेज है ना कम है आपको ये नहीं की आपको मार्केटिंग के लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी नहीं आपको बस इसी फील्ड की नॉलेज देनी है ठीक है या आप लोग प्रोडक्शन में हैं किसी पर्टिकुलर मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहीं पर आपको ट्रेन करना है क्योंकि आप वहीं रहेंगे फंक्शनल में जहां क्लासिफिकेशन हो गया फंक्शन के बेसिस पर वहां एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया कोई दिक्कत नहीं है वहीं काम करेगा वो ठीक है और बताइए बता दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं ना आप ये चाहते हैं दूसरा या है, दूसरी कुछ चीज चाहता है तो इंटरेस्ट की बात आ गई यानी अपना अपना फायदा देखने वाली बात कहता है अ कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट में अराइज वेन इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कंपेटेबल आप कुछ और चाहते हैं मैं कुछ और चाहता हूं यानी जो दो डिपार्टमेंट हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट एरिया हैं और उसमें मतभेद आ गया देखो क्या सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है भाई सेल्स बढ़े ठीक है सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है सेल्स बढ़े हो कैसे बढ़ेंगे कहता है कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बनाए ठीक है कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन होने चाहिए बट यही बात डिजाइनिंग की बात यानी ज्यादा मेहनत की बात आती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कहते हैं यार ये बड़ी बेकार चीज है कहां से बनाए इतने सारे डिजाइन कंफ्लिक्ट आएगा ये चाहते हैं भाई ज्यादा डिजाइन बने अच्छे डिजाइन बनकर आए प्रोडक्शन कहता है साहब कैसे कहां बना के देते हैं सारे डिजाइन आपको ठीक है तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए झगड़ा पैदा कर सकती हैं डिस्प्यूट डिस्प्यूटराइज हो सकता है ऐसे ही मैं एक बात बताऊं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग वगैरह इसी में आ गया और इधर आपका क्या बोलते सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है सेल्स इंक्रीज करना चाहता है इसके लिए वो क्या कहता है वो क्या कहता है Prices को कम कर दो, सेल प्राइस कम कर दो फाइनेंस वाला कहता है नहीं प्राइजेस कम नहीं होंगे, प्राइजेस कम हुए तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा प्रॉफिट डाउन चला जाएगा वो इसके हित में नहीं है तो दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकता है आपस में दोनों चाह भले क्यों ही रहे हैं, पर वो इंडिविजुअल लेवल पर सोच रहे हैं फाइनेंस वाला अपने बारे में सोच रहा है सेल्स वाला अपनी तरफ से सोच रहा है नजरिया दोनों का अलग अलग है पहुंचना दोनों को एक जगह ही है क्योंकि अगर आप देखें प्राइजेस अगर डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे बट जब सेल्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली टर्न के कारण प्रॉफिट पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा बट ये बात समझने वाली है वो शायद इस पर समझ इस बात को समझ ना पाए ठीक है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां आता है कि उनका अपना इंटरेस्ट एरिया है और दूसरे का अपना इंटरेस्ट एरिया है और वो अपने अपने एरिया को देख रहे हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहे हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अगर देखें तो चीज ज्यादा इजी हो जाएगी समझना एक दूसरे को हेल्प करना इजी होगा तो कंफ्लिक्ट हो सकता है इंटरेस्ट का और बताइए चलिए और कोई पॉइंट किसी को पूछना है तो बताओ बेटा ठीक है तो अगर और कोई पॉइंट्स नहीं है पूछने को तो अभी हम एक काम करते हैं अभी के लिए आपको ब्रेक दे देते हैं और आपसे मिलेंगे थोड़े समय बाद में थोड़े समय बाद में क्या आपसे तो फिर अब कल ही मुलाकात